सबसे बड़े ई-स्पोर्ट्स चैनल्स ट्विच पे कौन से रहे 2022 में। टॉप 5 चैनल्स टोटल व्यूअरशिप के बेसिस पर है। नंबर 1 पर है गॉल्स और 5th पर है OTP LOL with 48.82 million hours. Top 5 channels अगर in terms of peak concurrent viewership की हम बात करें तो PUBG Mobile National Championship 2022 Pakistan Grand Finals Team SATUL top position पर रही और Godlike Esports है तीसरे पायदान पर। Amazon Prime Gaming ने finally launch कर दिया Valorant Mobile, कब release होगा ये बहुत बड़ा question है। PUBG Mobile ने announce किया है अपना Mariana Bio जो कि एक Mexican musician है and producer भी। हेलो सलाम नमस्ते, मेरा नाम है मसब जमा AKA ब्लैकबियर 2OP। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े ई-स्पोर्ट्स चैनल्स ट्विच पे कौन से रहे 2022 में। टॉप 5 चैनल्स टोटल व्यूअरशिप के बेसिस पर है। नंबर 1 पर है गॉल्स 103.7 मिलियन आवर्स के साथ। गॉल्स बन चुके हैं द किंग ऑफ ई-स्पोर्ट्स कंटेंट ट्विच पर। अलेक्जेंडर गॉल्स बॉर्बा एक रिटायर्ड ब्राजीलियन प्रोफेशनल काउंटर स्ट्राइक के प्लेयर हैं और कोच भी। सेकंड नंबर पर है ESL CS:GO का चैनल विद 81.5 मिलियन आवर्स। थर्ड पर है LCK कोरिया विद 63.5 मिलियन आवर्स। फोर्थ पर है रायट गेम्स विद 55.45 मिलियन आवर्स और फिफ्थ पर है OTP LOL विद 48.82 मिलियन आवर्स। टॉप 5 चैनल्स अगर इन टर्म्स ऑफ पीक कॉन्करेंट व्यूअरशिप की हम बात करें तो पहले पर है रायट गेम्स जिसकी पीक वॉचिंग रही 9,90,201 व्यूअर्स एक बार में। फिर आते हैं गॉल्स 7,07,000 व्यूअरशिप के साथ। तीसरे पर आते हैं LCK कोरिया विद 6,92,000 व्यूअर्स। फिर आती है PGL 6,40,000 व्यूअरशिप के साथ। पांचवे पर ESL CS:GO 5,50,000 व्यूअरशिप के साथ है। PUBG मोबाइल नेशनल चैंपियनशिप 2022 पाकिस्तान ग्रैंड फाइनल्स शुरू होने वाला है दिसंबर 24 से। ये इवेंट 2 दिन चलने वाला है जहां पर 16 टीम्स एक दूसरे से भिड़ने वाली है 12 गेम्स के ऊपर। इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल है $30,000 और टॉप टीम्स को स्लॉट मिलने वाला है PMPL पाकिस्तान स्प्रिंग 2023 में। टीम SATUL टॉप पोजीशन पर रही विद 78 पॉइंट्स इन PUBG न्यू स्टेट इनविटेशनल फाइनल्स डे 1 के बाद। टीम एक्सो उनके बिल्कुल पीछे है दूसरे पायदान पर और गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स है तीसरे पायदान पर विद 61 पॉइंट्स। Amazon Prime Gaming ने फाइनली लॉन्च कर दिया है अपना सब्सक्रिप्शन सर्विसेज इन इंडिया। यूजर्स जिनके पास Amazon Prime का मेंबरशिप है वो एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे गेम्स मोबाइल और पीसी पर। Valorant मोबाइल कब रिलीज होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत दिनों से गेमिंग कम्युनिटी में। गेमर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं Valorant मोबाइल का। Riot Games ने अनाउंस किया था डेवलपमेंट ऑफ Valorant मोबाइल जून 2021 में। उसके बाद रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि गेम का प्री डेवलपमेंट टेस्ट चल रहा है चाइना में जो सामने आया था। PUBG मोबाइल ने अनाउंस किया है अपना म्यूजिक लेबल बी ड्रॉप जो कि अवेलेबल होने वाला है ऑलमोस्ट सारे मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई Amazon म्यूजिक iTunes और बाकी भी। उसका नाम रहने वाला है PUBG मोबाइल ऑफिशियल। इस न्यू इनिशिएटिव के पार्ट में PUBG मोबाइल ने यह भी अनाउंस किया है अपना कोलैबोरेशन विद Mariana Bio जो कि एक मेक्सिकन म्यूजिशियन है एंड प्रोड्यूसर भी। यहां तक आप लोग आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने। क्या नहीं किया? वीडियो को जरूर से लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस करें ताकि आप कोई भी गेमिंग न्यूज इंडिया टुडे गेमिंग का कभी मिस ना कर पाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ब्लैकबियर 2OP साइनिंग ऑफ।